नमस्कार, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत आज के खास वीडियो में, जो एलोपैथ में ग्रामीण चिकित्सक हैं और एलोपैथ से ग्रामीण चिकित्सकों का सेवा करते हैं, यानी सीसीएच सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ संबंधी दो हमारे पास पुस्तक है। आप देख सकते हैं ये एनआईओएस का बहुत ही बेहतरीन आपको कोर्स है और इसका वेबसाइट भी दिया गया है और बिहार में इसकी मान्यता भी है और इसकी पूरे देश में मान्यता है। यदि आप एलोपैथिक दवा में आप काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं और बड़े बड़े नर्सिंग होम या अन्य कहीं पर भी बहुत सारे आप अस्पताल में आप काम कर चुके हैं प्राथमिक चिकित्सक के रूप में, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक आपको बनाने के लिए बिहार सरकार ने मान्यता दे रखी है और बहुत सारे लोग बिहार सरकार के माध्यम से प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके हैं। उसमें भी आप प्राइवेट से भी आप चाहते हैं करने के लिए तो आप कर सकते हैं। पहले प्राइवेट से ही लोग सीसीएच का कोर्स करते थे, यानी ग्रामीण डॉक्टर का कोर्स करते थे। आज स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी आपको ग्रामीण चिकित्सक के मांग पर बिहार सरकार ने कुछ बहुत सारे अप्रशिक्षित चिकित्सकों को ट्रेनिंग देने का काम किया। बहुत सारे लोगों को सर्टिफिकेट भी मिल गया है, लेकिन बहुत लोगों को अभी नहीं मिला है, वो प्रशिक्षित नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये जो आप एनआईएस में आप एडमिशन के बाद में ये जो आपको पुस्तक मिलती है ये आपको है, और जो आप प्राइवेट से आप इसको खरीद सकते हैं, ये आपको कहीं भी मिलेगा। इसमें बहुत सारा आपको क्या क्या पढ़नी है, एनआर ब्रदर्स केतर एंड केतर एवं केतर का ये पुस्तक है, आप देख सकते हैं। तो इसमें एलोपैथ से आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, यदि आप ग्रामीण चिकित्सक हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया कोर्स है। आप एक प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता नहीं बल्कि एक आप ग्रामीण चिकित्सक के रूप में भी प्राथमिक चिकित्सक के रूप में आप काम कर सकते हैं, जिसका वर्णन अपने भाषण में हमारे श्रद्धेय और प्रतिष्ठित बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी इसकी चर्चा कर दी है। और कोरोना वायरस पर ग्रामीण चिकित्सकों का बहुत बड़ा रोल है, ग्रामीण चिकित्सकों का ये बहुत ही बेहतरीन सेवा अपने गांव में देते हैं, जिसके बदौलत गांव में कम कोरोना फैला शहर के मुकाबले। ग्रामीण डॉक्टरों ने ये साबित किया कि किसी से वो कम नहीं है और उनका अनुभव जो है बेहतरीन है, इसलिए गांव में बहुत कम कोरोना वायरस का प्रकोप देखने को आया और शहर में ज़्यादा देखने को मिला। आप यहां पर देख सकते हैं ये आपको बहाली तो करनी ही चाहिए, ये सरकार का काम है, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि आपका ये पुस्तक कह रहा है। ये पुस्तक में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए, आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं इसमें आपको साफ हो गया है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें आपको इसमें बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा हेतु बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं योजना पर विचार करने हेतु भारत सरकार ने वर्ष 1972 में कतार सिंह कमेटी की स्थापना की। भारत सरकार इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीन में ये काम करता है एनआईओएस। तो आपको भारत सरकार ने वर्ष 1972 में
कतार सिंह कमेटी की स्थापना की। इस कमेटी की सिफारिशों को सरकार ने वर्ष 1975 में स्वीकार किया। ग्रामीण चिकित्सकों के प्रशिक्षण के लिए ये कतार सिंह कमेटी 1972 में सिफारिश करती है भारत सरकार से, और ये 3 साल बाद में ये भारत सरकार कतार सिंह कमेटी को स्वीकार करती है। एक नीतिगत निर्णय लिया गया जिसके मुताबिक एक ही उद्देश्य से चलाए जाने वाले सभी कार्यक्रमों को बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अंतर्गत लाया जाना निश्चित किया गया। बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना का उद्देश्य बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं की टीम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को स्थापित करना है। ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 की जनसंख्या पर एक पुरुष और एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति करनी है। 5,000 ग्रामीण क्षेत्र में आपको एक महिला स्वास्थ्यकर्ता और एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता की इसमें आपको नियुक्ति करनी होती है। जनजातीय एवं पर्वतीय क्षेत्र में 3,000 की जनसंख्या पर एक महिला और एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति किया जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि आप देख सकते हैं, ये पुस्तक में आपको लिखा है बहाली के बारे में कि 5,000 ग्रामीण जनसंख्या पर आपको एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता भारत सरकार को या राज्य सरकार को आपको बहाली करनी है। ये भारत सरकार के अधीन है और इसमें जो पर्वतीय क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्र जो है पहाड़ी क्षेत्र यानी आप कह सकते हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा से ये आपको किस कमेटी की सिफारिश है और इसमें बढ़िया से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। हम स्क्रीन पर थोड़ा ज़्यादा देर रखते हैं। हर हाल में भारत सरकार को ये बहाली करनी है और राज्य सरकार भी अपने स्तर से इसकी बहाली कर सकती है, और ट्रेनिंग भी बिहार सरकार ने दे दिया है और दूसरे स्टेट के बारे में तो मालूम नहीं है वहाँ की क्या स्थिति है, लेकिन ये आप प्राथमिक उपचार के लिए आप अधिकृत हैं। आप जब तक आपकी नौकरी सर्विस ग्रामीण चिकित्सक के रूप में ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में यदि आपकी जब तक बहाली नहीं हुई है तब तक आप इसकी कर सकते हैं, तो आप इसकी बहाली आप देख सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर डॉक्टर सुबोध चंद सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यू चैनल के अंतर्गत। आप देखिए ये आपको कम्युनिटी हेल्थ की पुस्तक है, ये आपको NIOS द्वारा पूरी मान्यता है। यदि आपको बहुत बढ़िया अनुभव है, यदि आपको ट्रेनिंग नहीं लिए हैं तो आपको किसी भी तरह से ट्रेनिंग ले लेना बहुत ही अच्छा चीज़ है। आपको बिना ट्रेनिंग का प्रैक्टिस करनी नहीं चाहिए, ये आपको लीगल रूप से, यदि लीगल रूप से आप चाहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए तो प्रशिक्षण ले लें तो बेटर रहेगा। ऐसे बिना प्रशिक्षण का बहुत लोग अपने प्रैक्टिस करते हैं और गांव के लोग उन्हीं पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा। तो आप ये इसमें आपको तो साफ साफ हमने दिखा दिया कि बहाली के लिए इसमें कहा गया है। अब भले भारत सरकार राज्य सरकार बहाल नहीं करे तो उनका एक पूरे ग्रामीण चिकित्सकों के साथ ये बहुत बड़ा छलावा हो सकता है। ये पूरा घोषणा में है, ये कतार सिंह कमेटी का है। इसके लिए आप संघर्ष करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि एक बार इसकी यदि बहाली अगर हो गई तो हमें आशा है कि इसको सरकार इसकी ज़रूरत को समझेंगे और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता 5,000 की जनसंख्या पर बहाली करनी है। और जहाँ पर ये पठारी इलाका है, यहाँ पर गांव से भी दूर दराजे के इलाके हैं, उसमें आपको 3,000 की जनसंख्या पर एक पुरुष और एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एक महिला
ग्रामीण चिकित्सक और एक पुरुष ग्रामीण चिकित्सक की बहाली करनी है ताकि हेल्थ फॉर ऑल गांव के भी लोग नहीं छूटे। बड़े चिकित्सक गांव में नहीं पहुंच पाते हैं और इन्हीं ग्रामीण चिकित्सकों के माध्यम से स्वास्थ्य आपका स्थिति ठीक किया जाता है और ग्रामीणों का देखभाल किया जाता है और इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाता है। और इसमें बहुत सारे आपको इंजेक्शन लगाने की विधि, फैमिली प्लानिंग और प्राथमिक उपचार से पैरासीटामोल, ये सब बहुत सारे दवा है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है और एक साल के बाद आपको परीक्षा देनी होती है। यदि आप परीक्षा पास करते हैं तो आपको NIO से सर्टिफिकेट मिलेगा। तो जैसा कि इसका क्वेश्चन पेपर का कमेंट से हमें मालूम हुआ है कि लोगों को चाहिए, जैसे ही हमें आप बहुत दिन के बाद कमेंट आया है, जब हमने CCH का नहीं बल्कि CID का हमने जब प्रश्न पत्र प्रथम वैल्यू का और सेकंड वैल्यू का सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग कोर्स का जब हमने अपने YouTube के माध्यम से ये आपको दिखाया प्रश्न पत्र कैसा होता है, उसके बाद मांग बढ़ी कि सर CCH का भी ये क्वेश्चन प्रश्न पत्र है उसको भी लाया जाए। हमारी कोशिश रहेगी कि हमें एक कोरोना में थोड़ा सा कहीं ना कहीं पर क्वेश्चन होगा, हम उसे आपको लाने की दिखाने की कोशिश करेंगे, जैसे ही मिल जाएगा, नहीं भी मिलेगा तो हम उसकी व्यवस्था करके आपको CCH संबंधी जो प्रश्न पत्र होता है उसे हम दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये भाई में आपको प्राथमिक उपचार संबंधी बात जरूर पूछी जाती है कि आपको प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल आप कैसे करेंगे, उसकी भली भांति आपको जानकारी होगी क्योंकि भाई में ये प्रश्न रहता है। और CCH का प्रश्न पत्र जो ऑब्जेक्टिव होता है तो उसमें आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आपका कौन कौन सी बीमारी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस है, फलेरिया है, मलेरिया है, इस ढंग का और जो ये आपको बीमारी है उससे आपको कुष्ठ रोग है, आपको याद करनी चाहिए। और फैमिली प्लानिंग का इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, फैमिली प्लानिंग आप किसके सजेस्ट करेंगे, फैमिली प्लानिंग किन लोगों को, किन हालात में आप फैमिली प्लानिंग के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे, तो बहुत सारे आपका प्रश्न रहते हैं। आप पहले इस बुक को आप कहीं से उपलब्ध करा लीजिए, आप उसका अध्ययन कीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि कितने ढंग का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये आपको जो ये गर्भ निरोधक गोली है, इससे आपको एक गर्भ निरोधक गोली के ब्लिस्टर को आपको देखनी चाहिए कितने गोली उसमें होता है, और आपको उसमें देख कर तब इसका उत्तर आपको लिखनी चाहिए और उसको जानकारी भली भांति होनी चाहिए। यानी प्राथमिक उपचार संबंधी आपको विशेष जानकारी रखना ही ये आपको ग्रामीण चिकित्सा के कोर्स या ये कम्युनिटी हेल्थ की पुस्तक में लिखा रहता है। कम्युनिटी का मतलब होता है एक तरह के लोग, जहाँ पर एक तरह का बीमारी फैलती है, जहाँ पर रोगी को आप जानते हैं, डॉक्टर साहब जानते हैं, ग्रामीण डॉक्टर, और ग्रामीण डॉक्टर पूरे वहाँ के लोग के बारे में जानते हैं, उनको भली भांति मालूम रहता है कि इन लोगों के परिवार में किस तरह का बीमारी है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनके अनुसार ही उसको दवा लिखते हैं। तो ग्रामीण चिकित्सक सबका ध्यान रखते हैं, आपके ये पॉकेट से आपको ज़्यादा खर्च नहीं हो, आपकी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखते हुए भी दवा वो लोग प्रिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। पैसा भी ग्रामीण चिकित्सकों को नहीं होता है तो बहुत सारे लोग उसे जैसे आप इलाज उनके फेथ पर कर देते हैं, पैसा वो लोग बाद में भी पेमेंट करते हैं। तो ग्रामीण चिकित्सकों का फ़ायदा निस्संदेह ग्रामीण हमारे गांव के लोगों को मिलता है। और महात्मा गांधी ने कहा था, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा जो है गाँव में बसती है, इसलिए गाँव के लोगों को नज़रअंदाज कभी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा यदि भारत सरकार चाहती है और राज्य सरकार चाहती है तो ग्रामीण चिकित्सकों को वेल ट्रेंड करना ही पड़ेगा और इसकी बहाली भी करनी पड़ेगी। भले इसकी कोई बहाली करे या नहीं करे, लेकिन ग्रामीण चिकित्सकों को राइट है, इसका वो अपना ये अधिकार दिखा सकते हैं। इसके लिए हो सकता है कि आपको लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी, बहुत लोग लड़ भी रहा है,
और कोरोना काल में तो लड़ाई नहीं हो पा रही है, नहीं तो पूरे ग्रामीण डॉक्टर, ग्रामीण चिकित्सक, चाहे होम्योपैथी का हो, चाहे एलोपैथी का हो, चाहे आयुर्वेदिक का हो, उस सब लोग मूड बना रहा है धीरे धीरे। और जैसे जैसे हम लोग ये इसकी संख्या बढ़ते जा रहे हैं ग्रामीण चिकित्सकों का, वैसे वैसे इसमें एक धार मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई रुक गया है और चल नहीं रहा है, ये निश्चित रूप से राज्य सरकार, केंद्र सरकार को मालूम हो गया है कि ग्रामीण चिकित्सक बहाली के लिए दिन रात अपना आवाज़ उठा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि एक दिन ग्रामीण चिकित्सकों को बहाली होकर रहेगी। ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहने से अच्छा हमें लगता है कि उन्हें ग्रामीण चिकित्सक बोला जाए, ताकि वो लोग अपना गांव के डॉक्टर हैं ही, तो अपना स्वतंत्र रूप से वो काम करते हैं, उसमें किसी के अधीन काम नहीं करते हैं। उनका जो अनुभव रहता है उसी के आधार पर वो लोग करते हैं। जितने प्राथमिक उपचार के लिए ज़रूरी होता है वो निश्चित रूप से प्रशिक्षण लिए रहते हैं और परीक्षा देकर पास करके सर्टिफिकेट ले लिए रहते हैं, तो फिर इसका तो बात ही नहीं है। एक प्रमाण पत्र देता है, एक होना चाहिए एक इंस्टीट्यूट का, एक यूनिवर्सिटी का, या आप किसी भी नेशनल स्तर के संस्था का, तो आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो है इसमें भारत सरकार के अधीन काम करता है, ये आपको बहुत ही अच्छा से ये आपको प्रशिक्षण दिला देता है और ये आपको सर्टिफिकेट भी देता है। सबसे बड़ी बात है कि आपको जानकारी बहुत अच्छी से होनी चाहिए, और इसकी बहाली का तो हमने दिखा दिया है कि साफ साफ लिख रहा है कि बहाली करनी है। अब सरकार नहीं करती है तो सरकार में कमी है कि सारे ग्रामीण चिकित्सकों की कमी है? ये सरकार और ग्रामीण चिकित्सक मिल बैठ के बात करेंगे, एक टेबल पर जब तक आएंगे नहीं, एक दूसरे के बात को समझेंगे नहीं। यदि सरकार काम वही करती है जो पब्लिक डिमांड होता है, सरकार पब्लिक के लिए होता है और डॉक्टर ग्रामीण चिकित्सक पब्लिक के अंतर्गत ही आते हैं, तो यदि मांग करते हैं तो निश्चित रूप से सरकार इस पर विचार करेगी। सरकार का काम ही है ग्रामीण लोगों का, भारत के लोगों का, राज्य के लोगों को ठीक सही सलामत ये शिक्षा दीक्षा दे और उचित मार्गदर्शन दे, और ताकि उन्नत कला हुमायन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जो ये संचालित कोर्स सब हैं उस ये अधीन जो काम करता है ये बढ़िया से काम करे और वेल ट्रेंड होकर ग्रामीणों का अच्छी सेवा करें। चूँकि पूरे विश्व में भारत का नाम हो, राज्य और भारत का स्वास्थ्य का अच्छा ये गुणवत्ता बने, यानी स्वास्थ्य मृत्यु दर जो है वो कम हो और स्वस्थ लोगों की संख्या बढ़े, तो पूरे दुनिया में इसका नाम होगा। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। बिना आपको एक कहावत है कि जो बच्चा दूध रोता नहीं है उसे कोई माँ दूध नहीं पिलाती है, तो ये ग्रामीण चिकित्सक सभी लोगों का मिलजुल कर काम है कि इसकी मांग करनी चाहिए, ताकि सरकार को आवाज़ जाए और इस पर गंभीरता से विचार कर सके। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, आपसे मैं विदा लेना चाहता हूं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।